बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम आज फाइलम सीलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम सीलेंट्रेटा की बेसिकली हमने उनके जो जनरल फीचर हैं, उनके हैबिटाट, लाइफ साइकिल और उसकी जो कुछ बॉडी फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सीलेंट्रेटा का जो मतलब होता है वो बेसिकली क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इनका मेन कैरेक्टर है वो क्या है, इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है। अगर हम इसकी बॉडी को देखते हैं, देखिए ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें आपको जो नजर आ रहा है ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, बेसिकली हाइड्रा है। इसकी ब्लू लाइन के अंदर ये जो सारी की सारी आपको कैविटी नजर आ रही है, ये क्या है, GVC, दैट इज द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। उसके बाद ये जो सीलेंट्रेटा है, हम इसको नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इस नाइडेरिया, इसको क्यों बोला जाता है, इसको नाइडेरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक किस्म के सेल्स मौजूद हैं जिनको हम नाइडोसाइट्स बोलते हैं। और ये नाइडोसाइट्स जो हैं, इन्होंने फर्दर आगे स्टिंगिंग सेल्स बनवाने होते हैं जिनको हम नेमेटोसिस्ट का नाम देते हैं। ये नेमेटोसिस्ट बेसिकली क्या है, स्टिंगिंग सेल हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये आपके पास सिसाइल होते हैं, मोटाइल भी होते हैं, लेकिन बेसिकली इनके पास जो इनका सिसाइल लाइफस्टाइल है, यानी कि नॉन मोटाइल लाइफस्टाइल है, उसके अंदर ये स्टिंगिंग सेल्स को, नेमेटोसिस्ट को यूज करते हैं, ताकि जो इनके पास प्रे आता है, क्योंकि ये प्रीडेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जो प्रे आएगा उसको ये क्या करते हैं, पैरालाइज करने के लिए, उसको मफलूज करने के लिए ये स्टिंगिंग सेल्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके हैबिटाट की बात करते हैं तो मोस्टली इनका जो हैबिटाट है वो बेसिकली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। और एक्वेटिक में भी जो है वो सारी की सारी इनकी स्पीशीज जो है वो मैरीन के अंदर पाई जाती हैं, एक्सेप्ट वन, दैट इज द हाइड्रा। ये MCQs है, याद रख लें। ये जो सामने आपके बनी पड़ी है पिक्चर, ये हाइड्रा की है। हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर है, बेसिकली नाइडेरिया से बिलोंग करता है। बाकी जो इसके अंदर आते हैं, लाइक जेली फिश आ जाती है, सी एनीमून आ जाते हैं, कोरल रीफ्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर। तो हैबिटाट इनका जो है वो बेसिकली क्या है, एक्वेटिक है। अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर ये मैक्रोस्कोपिक तक है। जो माइक्रोस्कोपिक है, इसमें आपके पास एग्जांपल है हाइड्रा की, और जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक है उसमें आपके पास जो एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, वो है ब्रेंचियो सीरेंथिस। ये जो नाइडेरिया से बिलोंग करने वाला एनिमल है, ये तकरीबन 2 मीटर तक जो है वो लंबा होता है। ये आप इस डायग्राम के अंदर भी देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर भी, तो ये काफी बड़ा है। माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक यहां पर डाइवर्सिटी जो है वो मौजूद है, यानी कि डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स जो है वो मौजूद हैं डिफरेंट शेप के अंदर। उसके बाद हमने देखना है इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी पहली जो है वो है सिमेट्री। सिमेट्री इनकी रेडियल होती है। रेडियल से क्या मुराद है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक प्लेन ऑफ एक्सिस से आप उसको इक्वल 2 हिस्सों में 4 हिस्सों में 6 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकें, तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है बेसिकली वो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद इनका जो बिलोंग है वो किससे है, डिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गेनिज्म है। इट्स मीन कि इसमें सिर्फ 2 तरह की डर्म्स मौजूद हैं, दैट इज द एक्टोडर्म, और उसके बाद उसके अंदर एक मौजूद होती है एंडोडर्म। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लैक से नजर आ रही है ये क्या है, एक्टोडर्म है, और ये जो आपको ब्लू से अंदर नजर आ रही है ये कौन सी, दैट इज एंडोडर्म। और इन दोनों के दरमियान में ये जो आपको स्पेस और स्पेस के अंदर स्पेसिफिक सेल्स जो आपको दिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या है, मिजोग्लिया है। ये आप देख लें, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मौजूद है एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिजोग्लिया का नाम देते हैं। फिर उसके बाद इससे पीछे हमने क्या पढ़ा था, पोरीफिरा के बारे में। पोरीफिरा में हमने देखा था कि वहां पर कोई किसी तरह की टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है, वहां पर ऑर्गन फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखा गया है यहां पर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स मीन कि यहां पर ऑर्गन बने हैं। तो ऑर्गन कौन कौन से बने हैं, एक तो इनके पास मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स गोनेड्स, और
दूसरे इनके पास मौजूद होते हैं ये टेंटिकल्स, ये इसके पास ऑर्गन मौजूद है। इट्स मीन कि स्पेशलाइजेशन हुई है। पिछला जो फाइलम था वो सिंपल था, अब थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी आई है। तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी जो है, या आपके पास जो लाइफ है उसमें क्या हो रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है। फिर फर्दर हम देखेंगे वहां पर भी सिंगल ओपनिंग थी, साथ साथ कंपैरिजन भी हो रहा है, तो यहां पर भी सिंगल ओपनिंग है। ये जो आपको नजर आ रही है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये आपको एक इसके ऊपर एक ओपनिंग नजर आएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ का नाम देते हैं। सिंगल ओपनिंग होती है। इसका काम क्या है, ये जो माउथ है ये बोथ एनस और माउथ दोनों के लिए काम कर रहा होता है। इट्स मीन कि जो सब्सटेंस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर आएगा वो इस माउथ से आएगा, और फिर इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी से बाहर जाएगा तो इसी माउथ से जाएगा। सिंगल ओपनिंग होगी और इसके अंदर जो मौजूद स्पेस है, दिस इज द जीवीसी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, और हम उसको दूसरा नाम एंटीरॉन का भी देते हैं। तो इट्स मीन कि एंटीरॉन क्या है, एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। किसकी, नाइडेरिया की। किसकी डियर स्टूडेंट्स, सिलेंट्रेटा की। आई होप कि अब आपको यहां तक जो है वो समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन और जो आपके पास रेस्पायरेशन है वो इसमें किस तरह से होती है। वो सिंपल सा प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कोई इसके अंदर कंप्लेक्सिटी जो है वो यहां पर मौजूद नहीं है। जैसा कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बकायदा तौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इनके अंदर ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई ऑर्गन लेवल पर या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर। जो है सिंपली ऑर्गन मौजूद है वो मैंने बताया है गोनेड्स, लेकिन ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं, पूरा एक कंप्लेक्स सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो ये जो एक्सक्रीशन है, ये रेस्पिरेशन है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रही होती है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जो नाइडेरियंस होते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो गोश्तखोर होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। एक होते हैं कार्निवोर्स, जो गोश्त को खाते हैं। एक होते हैं ओमनीवोर्स, जो कि गोश्त और वेजिटेबल्स दोनों खा सकते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। लेकिन ये क्या है, कार्निवोर्स हैं, और प्रीडेटर के तौर पर भी ये काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाइड्रा है, बड़े सुकून से सिसाइल एक जगह पर लगा हुआ है, बट अपने जो ऊपर टेंटिकल्स हैं उनको क्या कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम मूव कर रहा है। जैसे ही कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म इनके नजदीक आएगा, कोई एनिमल आएगा, तो ये क्या करते हैं, को यूज करते हैं। इट्स मीन कि यहां पर कुछ सेंसरी चीजें मौजूद हैं, कुछ न्यूरॉन मौजूद हैं, जो क्या करते हैं, फूड को पहचान लेते हैं। स्पेशलाइजेशन हुई है, तो उसमें क्या होगा कि ये उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद उसको पैरालाइज करते हैं, मफलूज करते हैं, और फिर उसको क्या कर देते हैं, इनसाइड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर लेकर आ जाते हैं, जहां पर जो डाइजेशन होती है वो दो तरह से हो रही होती है। एक आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और दूसरी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल्स मौजूद हैं, जो कि कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर अगर ये देखें, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ब्लू से आपको क्या नजर आ रही है, दैट इज द एंडोडर्म, और ये एंडोडर्म के साथ, ये एंडोडर्म के अंदर इस तरह से लगे हुए होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये अंदर की तरफ एक कैविटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो ये कुछ सेल्स जो है ये कुछ एंजाइम्स बना के इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी डाल देंगे। अब ये एंजाइम सेल से बाहर निकल गए हैं, तो जब ये सेल से बाहर जाएंगे तो ये कौन सी डाइजेशन करवाएंगे, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर आ गया, इस सेल के अंदर आ चुका है, तो सेल क्या करता है, उसको इंट्रा तौर पे, यानी कि अपने अंदर ला के जब उसकी डाइजेशन करेगा, दैट इज द इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसको हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का नाम देंगे। अगर डाइजेशन सेल के आउटसाइड होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। अगर सेल के अंदर हो रही होती है तो वो क्या कहलाती है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद हमने देखना है कि इनके अंदर आपको सिसाइल भी मिलते हैं और मोटाइल भी मिलते हैं। सिसाइल में एग्जाम्पल आपके पास किसकी है, पॉलिप्स आ जाते हैं, ओब्लिया आ जाता है, हाइड्रा आ जाता है। लेकिन मोटाइल में आपके पास जो है वो डियर स्टूडेंट्स जेलीफिश आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास इनके अंदर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनको हम कोरल रीफ का नाम देते हैं, कोरल आइलैंड का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या है, समंदर की जमीन के ऊपर बिल्कुल जो कोस्टल एरियाज हैं, या नीचे जो है सतह समंदर पर क्या है, एक खूबसूरत किस्म के कोरल रीफ बनते हैं। बेसिकली वो कौन बना रहे होते हैं, वो आपके पास नाइडेरियंस बना रहे होते हैं। अब ये जो कोरल रीफ है, इनके ऊपर एक एक्सोस्केलेटन बन जाता है, वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियरियस होता है, उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है, एक हार्ड टफ किस्म की जो है वो कवरिंग बनती है। लेकिन उसके अंदर कौन मौजूद है, एक पॉलिप मौजूद होता है। अब ये बेसिकली पॉलिप क्या है,
ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे ये मैंने आपको बना के दिखाया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जैसे ट्यूब या वैस लाइक होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। इसके अंदर ये मौजूद है और इस पॉलिप की जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस से क्या होना है, ये स्पेसिफिक किस्म का एक्सोस्केलेटन जो उसने सेक्रीट होना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एक्सोस्केलेटन किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो उसमें आपके पास ये इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं और कोरल रीफ यानी कि पॉलिप्स भी आ जाते हैं। फिर इसके अंदर अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है। इट्स मीन कि ये जो आपके पास मिसोग्लिया है, इसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क होता है, न्यूरॉन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, और इस तरह से ये न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। फिर फर्दर आगे ये दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर इनके अंदर क्या मौजूद है, नर्वस सिस्टम, उसको हम प्लेक्सिस भी बोलते हैं, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर उसकी जड़ें, उसकी जो डेंड्राइट्स हैं या एक्सॉन है, वो उसके अंदर बाकायदा तौर पर पेनिट्रेट हुए हुए होते हैं, उसको हम प्लेक्सिस बोलते हैं, एंडिंग्स जिनको आप बोलते हैं। तो ये इस तरह का एक नेटवर्क बनाते हैं। तो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर है, तो इनके अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। और उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की बात हम पढ़ेंगे, वो क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के अंदर पढ़ी है। तो याद रखें, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये इनके अंदर पाई जाती है। उसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या, दैट इज द ओबिलिया। ओबिलिया के अंदर होता क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली क्या है, एक पॉलिप स्ट्रक्चर है। इसके अंदर स्पेसिफिक जो सेल्स हैं वो खुद को मॉडिफाई करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ब्लास्टोस्टाइल्स। ये ब्लास्टोस्टाइल्स जो होती हैं, इन्होंने क्या करना है, पर्टिकुलर सेल्स बनवाने होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं ज़ॉइड्स, इनको हम ज़ॉइड्स का नाम देते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, आसानी से मूव कर लेते हैं। इसी तरह से एक स्पीशी है, उसके पास 5 डिफरेंट टाइप के जो है वो ज़ॉइड्स मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन ऑफ वार भी बोलते हैं, ठीक है, उसका जो कॉमन नेम है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये आपके पास क्या है, दैट इज द एक सिसाइल स्ट्रक्चर है, सिसाइल स्पेसिफिक किस्म की जो है वो बॉडी है एनिमल की। अब इससे क्या होना है, ये जो ब्लास्टोस्टाइल्स है ना, ये पर्टिकुलर जो मॉडिफाइड सेल्स मैंने आपको मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बताए हैं, इनके अंदर क्या बनेंगे, ज़ॉइड्स। अब ज़ॉइड्स जो हैं, जब ये थोड़े मेच्योर होंगे तो ये किसके अंदर चले जाते हैं, मेडूजा के अंदर चले जाते हैं। तो ये कौन सा है, ब्लू से है, तो इसको हम क्या देंगे, मेल, मेल मेडूसी है, और ये रेड से फीमेल, क्योंकि फीमेल को जो है ना वो रेड फ्रॉक बहुत पसंद होती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये फीमेल स्ट्रक्चर है, ये मेल स्ट्रक्चर है। अब देखें, ये सिसाइल था, इसके पास ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कर सकता है, इजिली मोटाइल है, ये स्विम कर सकता है। तो ये स्विमिंग स्ट्रक्चर है, ये सिसाइल स्ट्रक्चर है, ये सिसाइल है, ये मोटाइल है, ये डोमिनेंट है, ये आपके पास डोमिनेंट नहीं होता। तो ये जो नॉन डोमिनेंट है ये क्या करता है, इसके अंदर स्पेसिफिक किस्म के ऑर्गन बनने हैं, जिनको हमने गोनेड्स का नाम दिया था। इसके अंदर मेल गोनेड्स बनेंगे, इसके अंदर फीमेल गोनेड्स बनेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि जो फीमेल होंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, और जो मेल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। अब जब एग और स्पर्म वाटर के अंदर आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जब ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने की वजह से क्या होगा, एक चीज बनेगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज द ज़ाइगोट। अब इस ज़ाइगोट के अंदर फिर फर्दर उसी तरह से डिवीजन होनी है, क्लीविजेस होनी है, तो ये जो आपके पास स्टेज बनेगी, दैट इज द ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला के बाद एक मोटाइल और फ्रीली स्विमिंग स्टेज बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैन्यूला स्टेज। ये प्लैन्यूला स्टेज क्या है, फ्रीली लिविंग है, मतलब ये फ्रीली मूविंग है, फ्रीली लिविंग है। अब ये किसी के साथ अटैच नहीं है, लेकिन फर्दर इसने क्या होना है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगी, इसके अंदर क्या होना है, चेंजेस होनी है। चेंजेस होने के बाद ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ जाके अटैच हो जाएगी, अटैच होने के बाद ये दोबारा से ओबिलिया जो है वो बना देती है, पॉलिप बना देती है, सिसाइल स्ट्रक्चर जो है उसको बना देती है। ये तो आपके पास था ओवरऑल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पॉलिप से मेडूजी के अंदर। लेकिन इसके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो रही है, ये देखिएगा, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय मीन ऑफ एसेक्सुअल एंड एज वेल एज सेक्सुअल। अगर आप एसेक्सुअल की बात हाइड्रा के लिए करें तो हाइड्रा के अंदर सिंपल बडिंग होती है, ये बात भी याद रख लें, बडिंग इन हाइड्रा आप लोग पढ़ के हैं 10th के अंदर। तो बडिंग इन हाइड्रा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहां पर इसके अंदर भी, ओबिलिया के अंदर भी अगर आप देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है। कहां पर हुई है, सोचें, बेसिकली वो होती कहां पर है, ये जो मैंने आपको ब्लास्टोस्टाइल्स बताए हैं, इससे ये जो स्ट्रक्चर बने हैं ज़ॉइड्स, ये एसेक्सुअली बने हैं।
ये आपके पास टू एन स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद फिर फर्दर डियर स्टूडेंट्स, जब स्पर्म और एग बनने हैं मेड्यूसा के बाद, तो वहां पर मियोसिस होती है और फिर फर्दर आगे जायगोट बनना है। तो इट्स मीन कि इसमें जो दोनों जनरेशन हैं वो क्या हैं, 2N होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे नहीं होते। तो ये था स्पेसिफिकली इनका जो है वो लाइफ साइकिल, बड़ा ही आसान था। एंड आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। इसमें जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो हमारे सिलेबस के अंदर इस दफ़ा शामिल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन स्मार्ट सिलेबस की वजह से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। लास्ट पे बचता है हमारे पास कोरल रीफ, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइडेरियंस यानी कि पॉलिप्स जो कि सतह समंदर के साथ रहते हैं, उनकी एपिडर्मस से कुछ कैल्सीरियस मटेरियल सेक्रीट होता है जो अपने इर्द गिर्द वो बना लेते हैं, और उसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, पॉलिप पड़ा हुआ है, और जब उसके नज़दीक से कोई भी ऑर्गेनिज्म गुजरेगा वो उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और फिर नेमेटोसिस्ट की मदद से, स्टिंगिंग सेल्स की मदद से उसको मफलूज बनाकर उसमें से उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल्स के पास आती है, और ये सारा काम जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड एज वेल एज सेल्स के अंदर हो रहा होता है जो कि एंडोडर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।